सब समाज की ओर से हॉप सर्कस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को फांसी पर लटकाकर चूड़ियां पहनाई गई। समाज सेवी जितेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में ये चूड़ियां पहनाई गई। समाज सेवी राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में जिस तरह की यह घटना हुई है उसको मुख्यमंत्री हत्या का रूप दे रहे हैं, जबकि वो नरसंहार है और इस तरीके का मामला आमजन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान प्रेम सिंह राजावत, ओम प्रकाश शर्मा, आशीष अरोड़ा, मनोज चौहान आदि लोग मौजूद रहे। जी बताया, उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, किस विषय को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए? उदयपुर में तो सरेआम इतनी बड़ी घटना हुई है, पहले वीडियो बनाना और फिर उसका कत्ल करना बहुत निंदनीय है। इसके विरोध में आज अलवर में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी का पुतले बनाकर उसके हाथ में चूड़ी और बिंदी पहनाकर विरोध कर रहे हैं और वो शर्मसार कर रहे हैं कि आपके राज में सरकार आप ठीक से नहीं चला पा रहे हो, तभी तो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और गुंडों में भय खत्म हो चुका है, प्रशासन मौन है क्योंकि सरकार आपकी है। आप प्रशासन को शांत कर देते हो, गुंडों को पकड़ने नहीं देते हो। गुंडों वीडियो बना के चैलेंज के द्वारा सरकार से कहते हम कल मर्डर करेंगे और कत्लेआम कर रहे हैं, वो गला काट के ले गए और जहां हमारे दो साथियों ने बचाने की कोशिश की वो भी आज एडमिट है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जल्दी ठीक हों। और गहलोत सरकार और गहलोत मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप इस्तीफा दे दो और जिससे इस राज का कुछ सुधार हो। जिस तरह योगी ने जहाँ पर यूपी में गुंडागर्दी चलती थी, आज यूपी में खुशहाली है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। जहाँ राजस्थान में बड़ी खुशहाली और शांत प्रिय एरिया था, उसको कांग्रेस सरकार ने गुंडागर्दी एरिया में बदल दिया। तो गुंडों को कांग्रेस सरकार पना देती है, इनको लालच है वोट का कि कहीं हमने किसी विशेष समुदाय को छेड़ दिया तो हमारे जो बच्चे कुचे वोट है वो खत्म हो जाएंगे। इनको किसी जीव मानव जाति से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इनको सर्वोपरि सीट का लालच है। सीट के लालच की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ दो लोगों ने जिन्होंने नरसिंहार किया था, पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या मांग रहेगी? देखो, पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हत्या की है, ये हत्या नहीं है, ये आतंकवाद है। उनको सरे बाजार जिंदा जला देना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त हुआ है वो खत्म हो और शांति स्थापित हो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र राठौड़।